बूटस्ट्रैप पे जाएंगे, बूटस्ट्रैप के अंदर बूटस्ट्रैप का डंप डाउनलोड करेंगे जो कि जेक्वेरी और सीएसएस फाइल इंक्लूड होती है, वो मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे, ओपन रार फाइल डाउनलोड हुई है, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया, ओके। इसके अंदर तीन फोल्डर होते हैं, तीनों फोल्डर मैंने कॉपी किए और एक न्यू वेबसाइट ओपन की। ओपन वेबसाइट, यहाँ पे अपने वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं कोई भी, मैंने रिस्पॉन्सिव मेन्यू के नाम से डाल दिया, ओके। और वो जो तीनों फोल्डर को कॉपी किए थे वो मैंने पेस्ट कर दिए। इसके अंदर एक ऐड पेज, वेब पेज ऐड कर लिया वेब फॉर्म के नाम से, इसका कोई भी नाम सेट कर सकते हो। मैंने इंडेक्स किया, ओके। अब तीनों के तीनों जो जीक्वेरी के और स्क्रिप्ट किंग के जो दोनों लिंक हैं वो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हेड के अंदर डाल देंगे। css bootstrap min.css, अब वापस बूटस्ट्रैप पे जाएंगे, कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे, नेवबार इसका जो इसकी डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप की नेवबार होती है, हम उसका कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये नेव कंपोनेंट के अंदर नेवबार ये जो इसके अंदर ये शो कोड हो रहा है, ये सर पूरा का पूरा कोड कॉपी पेस्ट करेंगे। मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी एंड जहाँ पे आपको मेनू ये शो कर रहा है वहाँ पेस्ट कर दूँगा मैं, ये मैंने पेस्ट कर दी। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि किस तरीके से क्या आउटपुट आती है, ओके। और ये ब्राउजर के अंदर ओपन हो गया, ये देखिए पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव मेनू। अभी ये वर्किंग नहीं कर रहा क्योंकि इसको एक फाइल और नहीं मिली जो जेक्वेरी की फाइल होती है, जिसके बेस पे जेक्वेरी चलती है। तो इसके अंदर जेक्वेरी मिन डॉट एक फाइल और रहती है, वो हम एक ऑनलाइन जेक्वेरी का लिंक सेट कर देंगे। मैंने सर्च किया गेट जेक्वेरी लिंक, मैंने सबसे पहले क्लिक किया w3schools.com पे, कहीं पे भी मिल सकता है किसी भी साइट। मैंने यहाँ से उठाया, कॉपी किया और अपनी वेबसाइट के हेडर के अंदर सबसे टॉप में पेस्ट कर दिया और बराबर ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश किया तो ये अब काम करना स्टार्ट कर देगा। ये देखो पहले काम नहीं कर रहा था, अभी काम कर रहा है दोनों साइड। अब हम इसको कुछ कस्टम ले लिया, ये रिस्पॉन्सिव भी हो गया दोस्तों। देखो ये इनबिल्ड फीचर होती है रिस्पॉन्सिव, ऑटोमेटिक स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। अब इसमें कुछ कस्टमाइज करते हैं, जैसे कि ये सर्च फॉर्म था, अब इसको हम सर्च फॉर्म को गायब कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग पार्ट को रखना चाहो रख सकते हो, तो डिलीट भी कर सकते हो, मैंने डिलीट कर दिया है। अब आप इसको देखेंगे कि सर्च बार हट गया, अब बाकी मेन्यू मेरा जो बच गया लोगो है राइट साइड में है, दोनों तरीके से सेट कर सकते हो। अब मैं कुछ एक और कस्टम लिंक ऐड करता हूँ, अब मैं कुछ एक कस्टम लिंक ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर, जैसे मैंने कॉपी किया ये पेस्ट, इनका नाम भी चेंज कर दूंगा 1 2 3, मैं सेव किया और यहाँ रिफ्रेश किया। ये देखो तीनों चारों लिंक जो मैंने ऐड किए थे वो आ गए। इस तरीके से आप भी खुद की अपनी कस्टम ऐड लिंक करके आपको नेव बार या मेनू आप क्रिएट कर सकते हो। ये बिल्कुल परफेक्ट है, हमको यही यूज करनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके। थैंक यू दोस्तों।